हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। इसके कुछ सवाल लगा लिए थे, दो चार बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसमें 13 तक हो गया था शायद, 14 से इनवर्स फंक्शन निकालना है, प्रतिलोम फलन। तो इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए f फ्रॉम r टू r में fx बराबर 2x-3 दिया हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r परिभाषित फलन है, तो f इनवर्स का मान ज्ञात, केवल प्रतिलोम फलन निकालना है। अगर ये ऐसा होता कि सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है, फिर उसके बाद प्रतिलोम फलन ज्ञात करना था, तो पहले इसको हमको एकाएकी निकालना था। जब वो प्रतिलोम फलन कब निकाल सकते हैं, जब वो व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है ना, अर्थात जब वो एकाएकी होगा और आच्छादक। यहाँ केवल प्रतिलोम फलन निकालना है, तो ये ऑलरेडी एकाएकी आच्छादक होगा, तो हम केवल इसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे, ठीक है। हल दिया है f फ्रॉम r टू r, मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। fx बराबर 2x-3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको इनवर्स फंक्शन निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। मान लेते हैं, माना f इनवर्स x, ये इनवर्स f इनवर्स x बराबर y, मान लिए इसका प्रतिलोम क्या है, f इनवर्स x बराबर y, ठीक है। यहां से इसको हम लिख सकते हैं y बराबर, या एफ वाई बराबर एक्स लिख सकते हैं, ये एफ वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये फलन परिभाषित था एफ एक्स बराबर इस तरह से, तो ये एफ वाई बराबर y, मतलब x की जगह y रख देंगे, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2y-3 बराबर x, 3 को घर लेके जाते हैं तो 2y बराबर हो गया एक्स प्लस 3, अब 2 को भी लेके जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन 2, और y क्या था, y था f इनवर्स x, तो y की जगह हम रख देते हैं f इनवर्स x, तो ये आ गया हमारा x प्लस 3 अपॉन 2, और यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। f इनवर्स x से ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था, f इनवर्स x बराबर x प्लस 3 अपॉन 2। अगला देखते हैं 15 नंबर, पे दिया हुआ है, यदि fx बराबर 4x plus 3 upon 6 minus 4 if x does not equal to 2 upon 3, 2 upon 3 रखने पर ज्यादा डिफाइंड नहीं होगा, तो सिद्ध कीजिए कि f of f into x बराबर x, और f का प्रतिलोम फलन क्या है, हमको क्या करना है, हमको इसमें सिद्ध करना है f of f बराबर x। तो दिया है एफ एक्स बराबर 4x+3 अपॉन 6x-4, ये दिया हुआ है, तो f ऑफ f निकाल लेते हैं, f ऑफ f इंटू एक्स, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया f, और fx fx बराबर ये दिया हुआ 6x-4, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये fx हो गया, fx x की जगह पे क्या रखेंगे, इस पूरे को रखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरफ से 4 into x, x की जगह पे इस पूरे को लिख देंगे 4x+3 अपॉन 6x-4, फिर प्लस 3 अपॉन 6, और x की जगह पे फिर से इस पूरे को रख देंगे, ठीक है, 4x+3 अपॉन 6x-4 और -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 into 4x+3
फोर इंटू दिस और इसका जब गुणा कर देते हैं प्लस थ्री इंटू सिक्स एक्स माइनस फोर अपॉन सिक्स इंटू फोर एक्स प्लस थ्री और इसका जब गुणा कर देंगे माइनस फोर इंटू सिक्स एक्स माइनस फोर और जो बटे में ये बचेंगे ऊपर नीचे एक ही तरह बचेंगे तो कट जाएगा सिक्स एक्स माइनस फोर। ठीक है, इसको हल करते हैं, चार का अंदर गुणा कर देते हैं, चार चौको सोलह एक्स प्लस चार त्याई बारह प्लस तीन छंग अठारह एक्स माइनस तीन चौको बारह बटे छह चौको चौबीस एक्स प्लस छह त्री अठारह माइनस चार छंग चौबीस एक्स और माइनस माइनस प्लस चार चौको सोलह। ये देखो चौबीस एक्स प्लस माइनस कट गया, सोलह और अठारह चौतीस एक्स प्लस बारह, ये तो बारह बारह कट गया प्लस माइनस थे। ठीक है, ऊपर चौतीस एक्स और नीचे अठारह और सोलह बटे आ गया चौंतीस, तो चौंतीस से चौतीस कैंसिल हो गया तो आ गया एक्स। तो अतः एफ ओ एफ एक्स बराबर क्या आ गया एक्स, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या करना है इसमें, अभी हमको निकालना है एफ का प्रतिलोम फलन निकालना है, तो जैसा भी निकाला था बिल्कुल उसी तरह से निकाल देंगे। माना एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई, यहां से लिख सकते हैं एफ वाई बराबर एक्स, एफ वाई बराबर एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स के लिए इस तरह से डिफाइन था, तो एफ वाई के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, फोर वाई प्लस थ्री अपॉन सिक्स वाई माइनस फोर इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको इस साइड लेके जाते हैं, ये हो जाएगा फोर वाई प्लस थ्री बराबर, ये इधर जाएगा तो इसके साथ में गुणा हो जाएगा सिक्स एक्स वाई और माइनस फोर एक्स हो गया। ठीक है, इसको इस साइड लेके आते हैं और इसको उधर लेके आते हैं, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर एक्स, थ्री प्लस फोर एक्स और ये हो जाएगा सिक्स एक्स वाई माइनस फोर वाई, सिक्स एक्स माइनस वाई फोर वाई। ठीक है, यहां से थ्री प्लस फोर एक्स, यहां से हम वाई को कॉमन कर लें तो आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस फोर। अब इसको इसके बटे पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर एक्स, थ्री प्लस फोर एक्स अप ऑन सिक्स एक्स माइनस फोर इक्वल टू वाई, और वाई था क्या, वाई बराबर था एफ इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स, इसको पहले लिख दिया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर। ये हो गया इसका प्रतिलोम फलन, और ये क्या है, ये वही है जो ऊपर लिखा हुआ था, वही है ना एफ एक्स बराबर, या इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स बराबर एफ। तो ये आपका प्रतिलोम फलन क्या है, वही है। ठीक है, अब है नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, पे दिया हुआ है सिद्ध कीजिए f फ्रॉम माइनस वन टू वन r एफ एक्स बराबर ये द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है, इसको एकैकी पहले प्रूफ करना है। तो दिया है f फ्रॉम माइनस वन टू वन, डोमेन ये दिया हुआ है और को डोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको एक एक सिद्ध करना है, एक एक सिद्ध करने के लिए क्या करते थे, डोमेन से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते थे और मान लेते थे उनकी इमेज क्या है, बराबर है, और फिर
हम निकाल देते थे कि वो दोनों एलिमेंट्स भी क्या हैं, बराबर है, जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, फलन एक एक ही हो जाता था, ठीक है ना। तो माना एक्स वाई के लिए, ये एक्स वाई को दो, कोई दो एलिमेंट्स जो यहां से लिए गए हैं, यहां माइनस वन वन है, मान लिया एक्स वाई कोई भी दो एलिमेंट्स है के लिए एफ एक्स बराबर एफ वाई, मान लिया इसकी दोनों की इमेज क्या है, इक्वल है, x1 x2 ना लेके x y ले लिया, एक ही चीज है, ठीक है, fx बराबर fy। अब fx बराबर क्या है, x upon x plus 2, इसी तरह fy बराबर क्या लिख सकते हैं, y upon y plus 2। तो सारे करते हैं, इसके इधर गुणा करते हैं, इसके इधर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा xy plus 2x बराबर, ये हो जाएगा xy plus 2y, xy से xy कैंसिल हो गया और ये बचा क्या 2x बराबर 2y, तो यहां से आ जाएगा x बराबर y, तो fx बराबर fy, तो fx बराबर fy के लिए हमको क्या मिल रहा है, x बराबर y मिल रहा है, इसका मतलब f क्या है, अतः f एक आइडियल फलन है, ठीक है। और क्या करना है, फलन f from minus 1 to 1 to f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम फलन उसी तरह से निकालेंगे, माना f इनवर्स x बराबर y, ठीक है, यहां से हो जाएगा f y बराबर x, तो ये हो जाएगा हमारा यहां से f y, y upon y plus 2 बराबर x, इसको सॉल्व करेंगे इधर लेके जाएंगे, y बराबर x y plus 2x, इस x y इधर लेके आते हैं तो y minus x y बराबर 2x, y कॉमन कर लिए, 1 minus x बराबर 2x, तो y बराबर हो जाएगा 2x upon 1 minus x, और y है क्या, f इनवर्स, तो f इनवर्स x बराबर हो गया 2x अपॉन 1 माइनस x, और यही निकालना था। अब अगला दिया हुआ है 17 नंबर, मान लीजिए f फ्रॉम n टू r fx बराबर इस तरह से दिया है द्वारा परिभाषित एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम n टू s जहां s f का परिसर व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। इसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा, ये एकाकी है और आच्छादक है, एकाकी और आच्छादक के बाद फिर इसका प्रतिलोम निकालेंगे। 17 दिया है f from n to r fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। फलन का डोमेन क्या दिया हुआ है, फलन का डोमेन n दिया हुआ है, फलन का डोमेन n, वो डोमेन तो r दिया हुआ है पर इसका जो रेंज है वो s है, इसमें दिया हुआ है ना, जहां s f का परिसर है, ठीक है ना, रेंज s है, परिसर जो है तो s है, कोडोमेन तो r है पर रेंज इसकी क्या है, s, रेंज मतलब कोडोमेन्स के एलिमेंट्स का कोई सबसेट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमको क्या सिद्ध करना है, इसको हमको पहले सबसे पहले ये कह के सिद्ध करना है, तो माना x y belongs to n, दो एलिमेंट्स ले लिया से x y belongs to n, fx बराबर fy, fx बराबर fy मान लिए, ठीक है, तो यहां से आते हैं 4x square plus 12x plus 15 fx हो गया,
एफ वाई क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15। अब इसको हमको x बराबर y लाना है यहां से, ठीक है, तब तो एक ही सिद्ध होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले देखो 15 से 15 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। यहां हमने 4 कॉमन कर लिया, अंतर बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x, यहां से भी 4 कॉमन कर लिया, बचा y स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। x स्क्वायर ये y स्क्वायर की तरफ लेके आते हैं, माइनस y स्क्वायर प्लस 3x, इसको उधर लेके आते हैं, माइनस 3y बराबर 0। यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस y इंटू x प्लस y, और प्लस इससे 3 कॉमन कर लिए तो अंदर बचा x माइनस y बराबर 0। ये दो पद हो गए, इनसे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x माइनस y, अंदर क्या बचेगा, x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 3, ये तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। तो जब x माइनस y बराबर 0 तो हमको मिल जाएगा x बराबर y, और या ये भी तो 0 के बराबर हो जाएगा, x प्लस y प्लस 3 बराबर 0, यहां से x प्लस y बराबर माइनस 3। पर क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जो कि हमेशा धनात्मक होती है, तो उनको जोड़ेंगे तो धनात्मक संख्या ही आएगी, ऋणात्मक तो आएगी नहीं। तो जो कि असंभव है, अतः x बराबर क्या होगा, केवल y होगा। और जब x बराबर y होगा तो इसका मतलब, अतः x बराबर y मतलब f एक आयतीय फलन है, ठीक है ना, f इस तरह का फलन है, एक आयतीय फलन है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। रेंज निकालने के लिए किस तरह से निकालते थे, क्योंकि इसको एक आयतीय आच्छादक दोनों सिद्ध करते थे, आच्छादक मतलब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना कोडोमेन में कोई एलिमेंट्स y है, माना कोडोमेन का कोई अवयव y, कोडोमेन तो इसका R है, y belongs to R, इस प्रकार कि fx बराबर क्या मान लेते थे, y, fx बराबर y के, तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 बराबर y हो गया, ठीक है। अब हमको x बराबर लाना है, इसको y के पदों में लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, दो दूनी चार तिहाई 12x, और प्लस 15 को लिख सकते हैं 9 प्लस 6 बराबर y। इतने पूरे को यहां रखो, अब लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू y, ठीक है, x इक्वल टू यहां से निकालना है, 6 को उधर लेके जाएंगे तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 6, यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू y माइनस 6 का अंडर रूट, स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो लग गया इधर अंडर रूट, इस 3 को उधर लेके आएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3। तो यहां से x बराबर आ जाएगा y माइनस 6 अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है।
तो x बराबर आ गया अंडर रूट y माइनस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू आ गया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखे, हमने यहां पे y belongs to s लिया था, y belongs to s के लिए ही, r के लिए नहीं है। fx बराबर निकाला तो हमको x बराबर इस तरह मिल गया। तो प्रत्येक y belongs to s के लिए लिखेंगे, प्रत्येक या फॉर ऑल ऐसा लिख लेते हैं, y belongs to s के लिए x बराबर किस तरह से मिल रहा है, अंडर रूट y माइनस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, x बराबर अंडर रूट y माइनस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू, ये किस तरह से होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसका डोमेन क्या था, n था। ये यहाँ पे y की वैल्यू इस तरह से रखनी है कि ये जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, अंडर रूट लिखा होगा ना, अभी तो नेचुरल नंबर है नहीं, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बटे में परिमेय संख्या। तो इस तरह से y की वैल्यू रखनी है कि ये जो x हो वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो, क्योंकि x n फ्रॉम था। ठीक है, इस प्रकार है कि ये इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार है कि f x बराबर y। ठीक है, f x बराबर f ऑफ अंडर रूट y माइनस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, इस प्रकार है कि जो एफ एक्स है, x की वैल्यू यहां पर रख दी गई, ये जो इस तरह से निकाली गई है। ठीक है, अब ये जो फलन डिफाइन था, ये एफ एक्स बराबर यहां निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फोर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये x पूरा ये है, पूरा है y माइनस सिक्स का अंडर रूट माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू प्लस 12 इंटू अंडर रूट y माइनस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू और प्लस 15। ठीक है, ये देखो इसको जब स्क्वायर करके बोलेंगे तो दो दूनी चार आएगा, चार से चार कट जाएगा और फिर ये क्या होगा, ये पूरा a माइनस बी के होल स्क्वायर। इससे इसको बोलेंगे a स्क्वायर मतलब y माइनस सिक्स प्लस b स्क्वायर तीन त्रिकाई नौ और माइनस टू ए बी मतलब दो तिहाई छ अंडर रूट y माइनस सिक्स। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे दो छक्का बारह तो कट जाएगा, छह बचेगा तो अंदर छह का गुणा करेंगे तो सिक्स इंटू अंडर रूट वाई माइनस सिक्स और माइनस छह रहेगा, छह तरी अठारह और प्लस पंद्रह। ठीक है, ये देखो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स, वाई माइनस सिक्स कट गया, ये हो गया हमारा वाई और अठारह छह चौबीस माइनस में और 15 में 24 प्लस में तो वो भी कट जाएंगे तो कुल मिला के एफ एक्स बराबर क्या बचा हमारा y। तो एफ एक्स बराबर y आ गया और यही क्या है, यही तो अच्छा रख है कि सारे x के लिए y एलिमेंट्स मौजूद है, अर्थात या अतः f क्या है, अच्छा रख फलन है। ठीक है, तो f एक ऐसी है, f आच्छादक है, इसका मतलब f क्या है, परिसर s में। ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय है, अतः f एक ऐसी आच्छादक फलन है, अर्थात f व्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना, इसको सिद्ध कर रहा था कि f व्युत्क्रमणीय है, तो इस तरह से f व्युत्क्रमणीय हो गया। अब व्युत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, अभी किसका प्रतिलोम भी निकालिए, प्रतिलोम उसी तरह से निकालते हैं जैसे बाकी अभी निकाले थे। ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं, माना
एफ इनवर्स इसी के आगे से ऐसा लिखना। अब माना एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एफ वाई, तो एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई बराबर था एक्स, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ था, वहां से ये हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ था 12x, तो 12y प्लस 15 इक्वल टू x। हालांकि हम लोग एक बार कर चुके हैं, तो चाहते तो डायरेक्ट यहां से f आच्छादक फलन है, तो f का प्रतिलोम डायरेक्ट निकाल सकते थे, इस तरह से आता, बट चलो एक बार कर देते हैं यहां पे फिर से, ये हो गया। इसको फिर से उसी तरह से करेंगे, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y, तो टेंशन टू इंटू टू वाई इंटू थ्री प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू एक्स, ठीक है, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू एक्स, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2y प्लस 3 बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 6, तो यहां से y बराबर इसको हल करेंगे आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको हल किया जाए किस तरह से आता है, इसको हल करके हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब y बराबर था क्या, f इनवर्स x, तो f इनवर्स x बराबर हो गया अंडर रूट एक्स माइनस, ये थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया, इसको x के पदों में लिखना था, ठीक है, y बराबर x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो गया f इनवर्स x बराबर x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। एक और दिया हुआ 18 नंबर, ये थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया है, इसको फिर से करना पड़ेगा। माना f का x प्रतिबिंब y है, ये प्रतिलोम फलन के लिए माना f का x प्रतिबिंब y है, तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा fx, इस तरह से, ठीक है, प्रतिलोम निकालना है y बराबर fx, तो ये y बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये बाकी उसी तरह से कर रहा है, y बराबर इधर हमने सॉल्व किया था 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, यहां से हम लिख सकते हैं y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल आएगी अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, x बराबर इतना आ गया है, ठीक है, इसलिए f इनवर्स y बराबर, ये fx बराबर y था, तो f इनवर्स y बराबर x है, और x बराबर क्या दिया हुआ है अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा प्रतिलोम फलन, ठीक है। एक और दिया हुआ है 18 नंबर में, कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, पहला दिया हुआ है इसमें f फ्रॉम 1 2 3 4 टू 10 और fx बराबर दिया हुआ है या f बराबर दिया हुआ है, 110, 210, 310 और 410, तो क्या करना दिखाना है, प्रतिलोम, ठीक है,
ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके डोमेन में 1, 2, 3, 4 है और को डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है, 10, और इस डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज 10 है। तो प्रतिलोम कब निकाला जा सकता है, जब फलन क्या होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट तो एक ही एलिमेंट की को डोमेन के एक ही एलिमेंट से इमेज बना रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग एलिमेंट से इमेज बनती तो एक एक ही होता। तो यहाँ पे एफ एक एक ही नहीं है, जब एक एक ही नहीं है तो फिर इसका प्रतिलोम नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, इसका प्रतिलोम नहीं होगा। इसी तरह एक दूसरा दिया हुआ है जी, ये भी फंक्शन ही है, जी फ्रॉम 5, 6, 7, 8 टू 1, 2, 3, 4 और ये इस तरह से डिफाइंड है, z इक्वल टू 3, 4, 6, 7, 8, 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 1, 2, 3, 4 कोडोमेन, ठीक है। सबसे पहले एक एक ही होना चाहिए, ये 3, 4 दिया हुआ है, 6, 3 तो ठीक है, 7, 4 भी ठीक है, 8, 2 भी ठीक है, 6, 3, 7, 4, 8, 2 भी ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, अगर इसकी जगह पे 5 और 1 होता तो फिर एक एक ही हो जाता, ठीक है, और आच्छादक भी हो जाता, पर ये 3, 4 दिए होने के कारण जी एक एक ही नहीं है, क्या होगा, ये एक एक ही फलन नहीं होगा, 3, 4 दिया हुआ है तो एक एक ही नहीं है और एक एक ही नहीं है तो प्रतिलोम फलन नहीं है, ठीक है ना, प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। एक और दिया हुआ है एच फ्रॉम 2, 3, 4, 5 टू 7, 9, 11, 13 इस तरह से है, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 और 13 एच, ये परिभाषित है इस तरह से, एच बराबर 2, 7, 3, 9, 4, 11 और 3, 13 तो 2, 7, 2 जो है तो 7 से डिफाइंड, 3, 9 से रिलेटेड है, 4, 11 से रिलेटेड है और 5 नहीं लिखा है, यहां पे 3 लिखा हुआ है, अगर 3 लिखा हुआ है तो फिर ये फिर से एक एक ही नहीं होगा, ये शायद निष्प्रिंट है, इसको 5 बना देते हैं, 5, 13 से डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स में कोडोमेन की अलग अलग इमेज है, इसका मतलब एफ एक एक ही है और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, मतलब कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जिसकी प्री इमेज वहां पे ना हो, इसका मतलब यह क्या है, आच्छादक भी है, और जब ये यच एक एक ही और आच्छादक है तो फिर इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था वो खत्म हो गया, अब थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।